आज आप पढ़ेंगे पावर ट्रांसमिशन। मशीनों को कार्यकारी अवस्था में लाने के लिए किसी न किसी रूप में शक्ति की आवश्यकता होती है। मशीनों को कार्यकारी स्थिति में ले जाने के लिए जो तत्व शक्ति पारेषण करते हैं उन्हें शक्ति पारेषण तत्व के नाम से जाना जाता है। इन तत्वों के द्वारा संचालित मशीनों में घूर्णन ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये उस ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करते हैं। कारखानों में मशीनों को चलाने के लिए प्राइम मूवर के रूप में इलेक्ट्रिक मोटर, डीजल इंजन आदि का उपयोग किया जाता है। ये मोटर या इंजन घूर्णन गति के रूप में पावर देती है जो किसी न किसी निश्चित आरपीएम के ऊपर चलाई जाती है। इस प्रकार घूर्णन गति से मशीन को चलाने के लिए हम शक्ति पारेषण के लिए बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो काम में लेते हैं। तो कारखानों में मशीन को चलाने के लिए दो विधियां या दो पद्धतियां अपनाई जाती है। पहली है संयुक्त चालन, दूसरी है पृथक चालन। संयुक्त चालन में क्या होता है कि एक ही मोटर द्वारा सारे वर्कशॉप की सभी मशीनों को चलाया जाता है। यदि एक मशीन को चलाना है तो भी वही मोटर चलेगी, या मशीन वर्कशॉप में पांच मशीनें हैं तो उनको चलाने के लिए भी वही एक ही मोटर चलेगी। इसे कहते हैं संयुक्त चालन। संयुक्त चालन की व्यवस्था पुराने समय में उपयोग में लाई जाती थी। इस व्यवस्था में मुख्य शाफ्ट द्वारा एक साथ अनेक मशीनों को चलाया जाता था। संयुक्त चालन के अंतर्गत प्राइम मूवर के रूप में शाफ्ट को शक्ति पारेषण की जाती थी। इसके पश्चात कुछ शाफ्टों से शक्ति विभिन्न मशीनों को दी जाती थी। इसके अंदर एक लूज एंड फास्ट पुली जो होती एक प्रकार है वो उपयोग में लाया जाता था, ताकि जिस मशीन को बंद रखना हो वहां पर जो बेल्ट है वो लूज पुली पे छोड़ दी जाती थी। इस चालन में जो आपका संयुक्त चालन है उसके अंदर एक तो शोरगुल ज्यादा होता है, एक बहुत ज्यादा जगह की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ एक्सीडेंट होने की संभावनाएं भी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर बेल्टों का एक जाल बिछा रहता है जिससे दुर्घटनाएं होने के चांसेस रहते हैं। फिर है पृथक चालन। पृथक चालन जो वर्तमान समय में उपयोग में लाया जाता है, इसमें एक मोटर द्वारा एक मशीन को चलाया जाता है। तो वर्कशॉप में अगर 10 मशीनें हैं तो 10 मशीनों पर एक एक मोटर लगी होती है, तो जिस मशीन को चलाना है उसी मशीन की मोटर चलती है जिसमें पावर खर्च कम होता है। साथ ही साथ पृथक चालन के अंदर यदि मोटर खराब हो जाती है तो जिस मशीन की मोटर खराब हुई है वही बंद रहती है, जबकि संयुक्त चालन में यदि मोटर खराब हो जाए या इंजन खराब हो जाए तो पूरा वर्कशॉप बंद रखेगा। तो पृथक चालन की बात करें तो वर्तमान समय में इसका उपयोग किया जाता है। प्रत्येक मशीन को चलाने के लिए एक मोटर की आवश्यकता होती है। मशीन के ऊपर या अंदर इसे लगाया जाता है। मोटर को ऑन या ऑफ करने के लिए मशीन के साथ ही एक स्विच ही लगाया रहता है। मोटर से मशीन को गति प्रदान करने के लिए बेल्ट, गियर, चैन आदि का उपयोग किया जाता है। पृथक चालन के कुछ लाभ हैं। इसमें विद्युत कम व्यय होता है, मशीनों को स्थापित करने के लिए कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है, दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बहुत कम होती है, मशीनों पर बेल्ट परिवर्तन करना सरल होता है और कार्यशाला भी साफ सुथरी रहती है। जबकि संयुक्त चालन में विद्युत खर्च ज़्यादा होता है, क्योंकि एक मशीन अगर चलेगी तो पूरी वर्कशॉप की जो बड़ी मोटर है वो चलेगी, फिर इससे विद्युत खर्च ज़्यादा होगा, स्थान ज़्यादा घेरता है क्योंकि वहाँ पर शाफ्ट और बेल्टों का बड़ा जाल बिछा रहता है, तो
तो वहाँ स्थान ज़्यादा लगता है। फिर है दुर्घटना की संभावनाएं उसमें बहुत ज़्यादा होती है, और बेल्ट को बदलना भी उसमें कठिनाई युक्त होता है, और कार्यशाला साफ सुथरी भी नहीं रहती है। अब है शक्ति पारेषण के तत्व। मशीनों में पावर ट्रांसमिशन करने के लिए जो तत्व काम में लेते हैं, जैसे पहला है पुली ड्राइव, फिर है बेल्ट ड्राइव, फिर है चेन ड्राइव, गियर ड्राइव, रॉक ड्राइव, शाफ्ट, क्लच, कपलिंग, कैम आदि। ये सभी जो तत्व है पावर ट्रांसमिशन करने के काम में लाए जाते हैं। पहली है पुली ड्राइव। पुली ड्राइव में शक्ति को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर ट्रांसफर करने के लिए दो शाफ्टों पर पुलियों का प्रयोग किया जाता है। पुली एक वर्ताकार पहिया होता है जिसके केंद्र में शाफ्ट के बराबर व्यास का एक छिद्र बना होता है, और उस छिद्र में एक चाबी लगाने के लिए चाबी घाट बना होता है। इसको शाफ्ट पर लगाकर उस पर बेल्ट चढ़ाकर पावर ट्रांसमिशन किया जाता है। चाबी शाफ्ट और पुली को एक साथ जोड़ने के लिए, ताकि स्लिप ना हो, इसलिए चाबी लगाई जाती है। पुली प्राय कास्ट आयरन द्वारा बनाई जाती है, परंतु कभी कभी विशेष परिस्थितियों में माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, लकड़ी या प्लास्टिक की बनाई जा सकती है। पुली के व्यास को गठा बढ़ाकर शाफ्ट की चाल को नियंत्रित किया जा सकता है, यानी आरपीएम को गठाए बढ़ाए जा सकते हैं। पुली के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे रिम, आर्म, हब, ये पुली के पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं। जैसे पहला है फेस। फेस जो होता है पुली के ऊपरी भाग जो कहलाता है वो फेस होता है। इसके बीच का भाग उभरा हुआ तथा साइड में थोड़ा झुका हुआ रहता है, जिसे पुली की क्राउनिंग कहते हैं, जिससे बेल्ट फिसलती नहीं है, और फेस के उभरे भाग को पुली की क्राउनिंग या रिम भी कहा जाता है। पुली के फेस को क्राउनिंग देने के लिए बेल्ट सेंटर में रहती है, यानी क्राउनिंग से बेल्ट सेंटर में ही चलती है, उतरती नहीं है। फिर है हब। पुली के अंदर सुराख वाले भाग को हब कहते हैं। यह मुख्यतः तीन आकार, ठोस, झिर्रीदार व स्प्लिट में होता है, जो कि निम्न प्रकार से होते हैं। पहला है ठोस हब, झिर्रीदार हब और स्प्लिट हब। ठोस हब क्या होता है कि एक ही आकार में बना होता है, झिर्रीदार में स्लॉट बने होते हैं, और स्प्लिट कटा हुआ था, दो भागों में बना होता है। फिर होता है बोर। बोर होता है, यह हब के अंदर शाफ्ट के व्यास के अनुसार बनाया जाता है। जो पुली होती है उसमें जो पुली जिस शाफ्ट पे लगेगी उस शाफ्ट के व्यास का होल बनाया जाता है। इस छिद्र में कीवे बना होता है जो पुली या शाफ्ट को स्थिर रखने में सहायता प्रदान करता है। फिर है उसकी भुजा, आर्म। यह पुली के अंदर शाफ्ट और फेस के बीच में लगी होती है। इसमें चार या आठ या अधिक भुजाएं भी होती हैं। फिर है कीवे। पुली को शाफ्ट के ऊपर घूमने से रोकने के लिए उसके सुराख के साथ एक आयताकार स्लॉट कटा होता है, जिसे कीवे कहते हैं। इस कीवे में की फिट करके शाफ्ट के साथ पुली को रोका जाता है। अब है पुली के प्रकार। पुली कितने प्रकार की होती है? पहला है ठोस पुली। यह पुली एक ही पीस में बनाई जाती है, यानी एक ही धातु के टुकड़े से बनाई जाती है। इसको साधारणतः कास्टिंग करके बनाया जाता है। इस पुली का व्यास छोटा रखा जाता है तथा इसकी भुजाएं सीधी, टेढ़ी या दोनों प्रकार की हो सकती हैं। फिर होता है स्प्लिट पुली। यदि लंबी शाफ्ट के मध्य कोई भी ठोस पुली लगा दी जाए तो उसे निकालने और लगाने में बहुत कठिनाइयां उत्पन्न होती है,
तो ऐसे स्थान पर जैसे संयुक्त ट्राइब होती है तो वहाँ पर लंबी लंबी सांपटें होती है, तो बीच में अगर पुली लगानी है तो वहाँ पे स्प्लिट पुली लगाते हैं। स्प्लिट पुली दो टुकड़ों में आती है जिन्हें एक साथ जोड़ करके नट और बोल्ट द्वारा इनके हब को कस दिया जाता है। तो ऐसे स्थानों पर ही इस पुली का उपयोग किया जाता है। ये दो पीसों में बनाई जाती है। शाफ्ट पर जहाँ भी स्प्लिट पुली लगानी होती है दोनों पीसों को मिलाकर के नट और बोल्ट की सहायता से उन्हें जोड़ दिया जाता है। इनके डायग्राम मैं वीडियो के साथ सेंड करूँगा, उसमें अपन देख सकते हैं। फिर है स्टेप कोन पुली। स्टेप कोन पुली को एक ही पीस में कास्टिंग करके बनाया जाता है, यानी ढलाई करके बनाया जाता है। इस पुली में अलग अलग व्यास के दो अथवा तीन स्टेप होते हैं। ये स्टेप आरपीएम के अनुसार रखे जाते हैं, यानी आपको चार तरह के आरपीएम चाहिए तो चार स्टेप होगी, यदि दो आरपीएम आपको चाहिए तो दो स्टेप होंगी। इस पुली का प्रयोग मशीन को विभिन्न चाल देने के लिए किया जाता है। एक ही बेल्ट को अलग अलग स्टेप पर सरका करके विभिन्न चाल आरपीएम प्राप्त किए जाते हैं। जितने स्टेप की पुली होती है उतनी ही आरपीएम अपन प्राप्त उतनी स्टेप में अपना आरपीएम प्राप्त कर सकते हैं। फिर है अपनी वी पुली। यह पुली भी एक प्रकार की स्टेप कोन पुली होती है। इसके फेस पर वी आकार के खांचे बने होते हैं। परिधि पर बने खांचों में वी बेल्ट को लगाया जाता है। इस प्रकार की पुली आवश्यकता अनुसार दो तीन अथवा चार स्टेप में या खांचों में बनाई जा सकती है, जिन्हें एक या दो से अधिक वी बेल्ट लगाई जाती है। ये पुलियां ढलवा लोहे या माइल्ड स्टील या लकड़ी द्वारा बनाई जाती है।